सुहाना अफसर पठान, मैं महाराष्ट्र उम्मीद अभियान मध्य, मैं CRP बोर्ड पर काम करती। आज 12 अक्टूबर में हमने जो ये मोर्चा निकाले, आज पूरी औरतें जो मोर्चे के अंदर आज सड़क पर उतर गई। ये मोर्चे का कारण, मेन कारण है कि ये जो उम्मीद अभियान है इसको जो खासगीकरण करना चाहते हैं सरकार, ये ना हो, इसलिए सारी महिला आज रास्ते पर उतर गई। बस हम यही चाहते हैं कि ये जो खासगीकरण हो रहा है ये ना हो, क्योंकि जो आज हमारी जो औरतें हैं कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थी, तो आज वो औरतें, आज इतनी सारी औरतें हमारी जो है रास्ते पर उतर गई, घर का विरोध करके वो लोग बाहर आए, इसलिए क्योंकि उम्मीद अभियान, इससे उन लोगों को कुछ उम्मीदें हैं, वो उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है कि कुछ तो भी है। बहुत सारी औरतें, कोई इतनी सारी औरतें, अब ये तो कुछ करोड़पति लखपति घर की तो है नहीं, ये गरीब घर से आई हुई औरतें हैं, इसलिए ये लोगों को उम्मीदें हैं, इनसे इन लोगों का बहुत सारा विकास हुआ। हम बस इतना चाहते हैं कि जो हमने उनसे मांगे करें, ये हमारी मांगे वो पूरी करें। हम जैसे कि हमारे गांव के अंदर जो बैंक सखी है, CRP है, ये लोग काम ही करते, बहुत सारे 50 घर में जाते, इतने सारी औरतों को वो लोगों ने ट्रेन किया, बताया क्या है अभियान, तो इनका जो है, तो हम बस यही चाहते हैं कि इन लोगों का 10,000 इनका पेमेंट कर दिया जाए, और जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, इन लोगों को जो रजे पर काम करना पड़ता है, बस इनका 58 की है, जिस तरह से मतलब उम्मीद अभियान अभी तक चल रहा, आगे भी इसी तरह से चल रही, अभी पूरी लेडीज तो 10 लाख पूरे महाराष्ट्र, 50 लाख औरतें इसके अंदर सब आगे, 5 पक्ष जो है तो गट हमारे समूह जो चालू है पूरे से, डर तो लगता है, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, अभियान चालू भी हो गया तो हम लोग मरेंगे, ये बंद हो गया तो भी मरना है, और कोरोना से भी मरना है, तो कोरोना से मर गया तो वो ठीक, लेकिन ये तो पेट के ऊपर ये हो जाएगा ना हमारे। आज ये धरने में जो लेडीज शामिल हुई वो कौन कौन से एरिया से है? ये पैठन तालुके से है, और वैजापुर से है, गंगापुर से है, तालुका फुलंबरी से है, ऐसे बहुत सारे लेके अंदर के है यहाँ, क्योंकि हर जिले में ये जो है आज का टाइम फिक्स किया हुआ था, आज सब ये तालुके के अंदर चालू है।